उज्जैन जिले के घटिया में हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्था। हॉस्पिटल की लैब में ताले लगने से प्रतिदिन कई गर्भवती महिलाएं व मरीज हो रहे हैं परेशान। कोरोना काल में सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। वहीं अगर हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो यहां के अस्पताल का हाल खून, यूरिन, सोनोग्राफी व अन्य जांचों की सुविधा को लेकर बेहाल है। आखिर जांच कराएं तो कहां? तहसील मुख्यालय पर जो सुविधा थी वहां भी ताले लगा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के घटिया तहसील के सरकारी अस्पताल की, जहां पर गर्भवती महिलाएं व मरीज अपनी जांचों को लेकर रोज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहां पर जो लैब टेक्नीशियन व सोनोग्राफी वाले थे, उन्हें जिले पर अटैच कर लिया और तहसील के अस्पताल को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जब इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की तो बताया कि मेरे द्वारा SDM व विभागीय अधिकारियों को लिखित व मौखिक अवगत करा दिया गया है। तो यहाँ पे जो महिला आती है, फिर उनकी जांचें किस प्रकार से हो रही? क्यों नहीं हो रही जांच यहाँ पर? बंद कर दी। कि क्या कारण रहा? उज्जैन पहुँचा रहे जाँच करवाने, तो इससे फिर परेशानी आ रही है? किस प्रकार कर रहे? अच्छा, नहीं हो रही है। कलेक्टर सर के आदेश से अपने घटिया ब्लॉक के तीनों लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को 1 तारीख से उज्जैन अटैच कर लिया गया है कोरोना की ड्यूटी में। ये मैंने CMHO सर उज्जैन, कलेक्टर सर उज्जैन और SDM सर उज्जैन तीनों को अवगत भी कराया है, और SDM सर भी अपनी तरफ से एक पत्र निकाल चुके हैं CMHO सर के लिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए, जिससे गर्भवती महिलाओं की जांच होने में समस्या ना आए और एक्सरे भी समय से MLC केसेस की हो सके। तो अभी फिर ये जो महिलाएं और ये जो आ रही है, तो उनकी फिर जांचें कहाँ पर की जा रही है, किस प्रकार की? इमरजेंसी अगर किसी महिला को रहती है डिलीवरी के समय, अगर डिलीवरी मान लो होने वाली है और उसकी अगर हमें जांच करनी है, तो डिलीवरी रूम में व्यवस्था है, स्टाफ नर्स वगैरह जांच करती हैं, लेकिन इमरजेंसी वाली बस। सारी जांचें अभी नहीं हो पा।